इफ यू आर प्लानिंग अराउंड अ 5-day ट्रिप टू हिमाचल प्रदेश, और अगर तुम्हें एक मनाली या शिमला या कसौल जैसी एकदम कमर्शियलाइज जगह नहीं चाहिए, बट एक ऐसी जगह चाहिए जहाँ यू कैन गेट डीसेंट कैफेज, तुम्हें ऑफ बीट लोकेशन भी अच्छी मिल जाए, नेचर का भी मजा ले पाओ और चिल भी कर पाओ, देन दिस वीडियो इज जस्ट फॉर यू। सो लेट मी गिव यू अ प्रॉपर गाइड टू प्लान अ 5-day ट्रिप टू तीर्थन वैली एंड सेंज वैली। सो जो लोग काफी घूमते हैं उन्होंने तो सुना होगा तीर्थन वैली या जीपी के बारे में, सेंज वैली के बारे में कम लोगों ने सुना है। तीर्थन वैली कुल्लू में ही आता है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। एंड तीर्थन वैली पहुंचने के लिए ना तुम्हें मनाली से पहले गांव आता है ऑड, वहाँ से एक अलग रास्ता कटता है, वहाँ से जाना पड़ता है। सो लेट मी टेल यू हाउ टू रीच तीर्थन वैली फर्स्ट। अगर तुम अपनी प्राइवेट गाड़ी से आ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, गूगल मैप्स ऑन करो चलो, बट इफ यू आर टेकिंग अ बस फ्रॉम दिल्ली देन तुम बस से ऑट उतरोगे, ऑट से तुम्हें बंजार तक की लोकल बस लेनी पड़ेगी और फिर बंजार से तुम लोकल बस लेके जाओगे जिभी। अब देखो मैं जिभी ना बहुत बार जा चुका हूँ तो मुझे जिभी के बारे में काफ़ी पता है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि स्टे के लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है। अगर तुम सोलो ट्रैवलर हो और तुम्हें हॉस्टल में रुकना पसंद है, देन आई थिंक ओजार्क हॉस्टल जो एकदम जिभी के सेंटर में इज द बेस्ट हॉस्टल टू स्टे इन जिभी। सो व्हाई एम आई रिकमेंडिंग ओजार्क हॉस्टल इज बिकॉज जो वहाँ के लोग हैं, जो वहाँ का मैनेजमेंट है, वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं, वो एकदम तुम्हें फैमिली के जैसा फील कराएंगे। तुम वहाँ पे सोलो ट्रैवलर जैसा फील ही नहीं करोगे, सब तुम्हारे साथ चिल कर रहे होंगे, बहुत ही अच्छा माहौल रहता है, खाना वहाँ का एकदम घर जैसा टेस्टी है। सो आई थिंक ओजार्क हॉस्टल इज द परफेक्ट प्लेस टू स्टे फॉर सोलो ट्रैवलर्स। अगर तुम्हें होटल या गेस्ट हाउस टाइप चाहिए देन पीकाबू करके एक जगह है जो जीबी के स्टार्टिंग में ही है, वो भी काफ़ी अच्छी है, वहाँ रुक सकते हो और भी काफ़ी होटल्स हैं जीबी में। एंड वन मोर थिंग, अगर तुम्हें लग्जरी स्टे चाहिए और तुम्हें एक अलग एक्सपीरियंस चाहिए, तुम्हें ट्री हाउस में रुकना है, तो जीबी में काफ़ी ट्री हाउस है और मेरा पर्सनल फेवरेट ट्री हाउस है लिटिल वुड ट्री हाउस, तो तुम वहाँ भी रुक सकते हो, वहाँ का एक्सपीरियंस तो एकदम काफ़ी लैविश और अलग होगा। आई थिंक वो रोमांटिक कपल्स के लिए ज़्यादा सूट करता है, दोस्त वोस्त जाएंगे तो वो तो अपने हॉस्टल या होटल में रुकना चाहिए, वो रोमांटिक जगह काफ़ी। और फर्स्ट डे आए हो, फर्स्ट डे ज़्यादा भसड़ नहीं रखते, थोड़ा चिल डे रखते हैं, तुम्हारे तुमने दोस्त वोस्त बनाए उनके साथ चिल किया, जीबी में काफ़ी कैफेज है, तुम वो सारे कैफेज एक्सप्लोर करो। मैं अपने फेवरेट कैफेज लिस्ट डाउन कर दूंगा। और क्या घूमना है वहाँ पे, वहाँ पे एक जीबी वाटरफॉल्स है, इट्स नॉट अ ग्रेट वाटरफॉल पर ठीक है, तुम वहाँ चिल करने जा सकते हो। पर जो मेरी फेवरेट चीज़ है जीबी की, या मेरी किसी भी हिल स्टेशन की जो फेवरेट चीज़ होती है, वो होती है अगर एक रिवर बह रही हो, अगर एक अच्छे रिवर हो तो मैं वहाँ रिवर साइड चिल करने ज़रूर जाता हूँ। वहाँ तो मुझे तो बहुत ही मज़ा आता है, मैं तो डुबकियाँ भी मार लेता हूँ। और अगर तुम्हें कूदने वूदने का डुबकी मारने का शौक है, देन यस वहाँ पे एक स्पॉट है जिसका नाम है थाईलैंड, नॉट एक्चुअल थाईलैंड बट वहाँ पे उसे थाईलैंड बोलते हैं, तो तुम वहाँ जाओ। या फिर उसके अलावा भी बहुत स्पॉट्स मिल जाएंगे तुम्हें डुबकी मारने का, वहाँ जाओ अपने दोस्तों के साथ या अकेले भी हो तो भी जाओ और मस्त डुबकियाँ मारो। और जीवी में ना एक मस्त चीज़ है कि वहाँ पे ना जंगल्स और हाइक्स बहुत है, तो तुम कहीं भी किसी भी गली में घुसो और कहीं ना कहीं हाइक पे निकल जाओ। किसी से पूछ लो श्रीलंका का है, तुम श्रीलंका पे हाइक पे चले जाना, अगेन नॉट एक्चुअल श्रीलंका, वहाँ पे एक स्पॉट है जिसका नाम श्रीलंका है, वहाँ से व्यू बड़ा मस्त आता है, तो वहाँ पे चले जाओ, बहुत सारे हाइक्स हैं। सो फर्स्ट डे की समरी, तुम आए, तुमने चेक इन किया, छोटे मोटे हाइक्स पे गए, तुमने डुबकी मारी रिवर साइड में, जीवी वाटरफॉल्स पे गए और कैफेज एक्सप्लोर किए। अब सेकेंड डे, जो कि सबसे खूबसूरत दिन होने वाला है इस ट्रिप का, आज तुम्हें जाना है रघुपुर फोर्ट। अब रघुपुर फोर्ट कैसे पहुंचना है, जीबी से पहले तुम्हें जाना पड़ेगा जलोरी पास। जलोरी पास इज अराउंड 15 किलोमीटर्स फ्रॉम जीबी, जो कि तुम एक लोकल बस से भी जा सकते हो, तुम टैक्सी करके भी जा सकते हो, तुम वहाँ स्कूटी या बाइक मिल जाए तुम वो भी करके जा सकते हो। वहाँ से तुम पहुँच जाओ जलोरी पास, जो कि 15 किलोमीटर ऊपर है, और वहाँ से अराउंड एक घंटे का हाइक या ट्रैक बोलो उसे, वो जाता है रघुपुर फोर्ट को। अब बहुत लोग ना अपने जीबी के ट्रिप पे क्या करते हैं कि वो पहले दिन जाते हैं, वो रघुपुर फोर्ट जाके देख के एकदम उतर के आ जाते हैं नीचे, बट मैं वो रिकमेंड नहीं करूँगा। मैं बोलूँगा कि यार तुम रघुपुर फोर्ट जाओगे ना, तो जब तुम हाइक करके जाओगे, एक घंटा एक डेढ़ घंटा लगा रहे हो मेहनत करके ऊपर जा रहे हो, तो वहाँ पे रुको, क्योंकि वहाँ से व्यूज़ तो बहुत ही सुंदर हैं। जब तुम कैंप साइट पे पहुँचोगे ना, तो वहाँ से तुम्हें देखेगा चारों तरफ बस मेडो मेडो है, और 360 डिग्रीज का व्यू है, इधर खाई उधर खाई, और इतने ज़्यादा सुंदर व्यू है, और चारों तरफ तुम्हें जानवर देखेंगे, कहीं बकरियाँ घूम रही हैं, कहीं घोड़े घूम रहे हो, बहुत ही सुंदर फीलिंग होगी। और वहाँ पे हवाएं इतनी प्यारी चल रही होंगी ना, मतलब वहाँ से मन नहीं करेगा कि तुम फोर्ट तक भी जाओ, तो वहाँ पे रुक जाओगे। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि वहाँ पे कैफे 360 करके एक कैंप साइट है, वहाँ पे रुकना, वहाँ का खाना भी अच्छा है, वहाँ के लोग भी अच्छे हैं, बहुत होमली फीलिंग होगी वहाँ पे। वहाँ पे तुम अपना सामान डालो, थोड़ा चिल करो, मैगी खाओ, चाय पियो, और फिर तुम थोड़ी देर बाद निकल जाओ रघुपुर फोर्ट को, जो वहाँ से है थोड़ा 10 मिनट और आगे। रघुपुर फोर्ट की बेस्ट चीज़ है कि यार वो इतना बड़ा है और वो इतनी ऊंचाई पे है ना, तो वहाँ से तुम्हें 360 डिग्री व्यू दिख रहा है, तो तुम शाम को जाओ तो वहाँ से बैठ के सनसेट देखो, और सुबह सुबह जाओ तो वहाँ से बैठ के सनराइज देखो, और वहाँ पे बैठ के ना तुम्हें अगर अपने दोस्तों के साथ बैठे हो तो एकदम वो दिल जाता है वाली फीलिंग आएगी, बस सामने समंदर नहीं है, सामने तुम्हें प्यारी सी छोटी सी लेक दिखेगी और चारों तरफ बस हरी हरी वादी और खाई दिखेगी। अब तुम उस दिन कैंप साइट पे अपने दोस्तों के साथ, और जो वहाँ कैंप साइट पहले लोग हैं उनके साथ चिल करो, पूरी रात गेम खेलो, मैगी खाओ, पकौड़े खाओ। अगले दिन उठ के यू विल कम बैक टू जलोरी पास, जहाँ से हमारा ट्रैक चालू हुआ था, और आज तुम्हें दूसरा ट्रैक करना है, आज तुम्हें जाना है सरोलसर लेक की तरफ। सो मैं तुम्हें आइडिया देता हूँ, व्हेन यू कम फ्रॉम जीबी एंड यू रीच जलोरी पास, सो राइट साइड को जाके तुम्हें रघुपुर फोर्ट पड़ता है, और लेफ्ट साइड को जाके तुम्हें सरोलसर लेक पड़ती है। तो आज तुम सरोलसर लेक जाओ,
डेढ़ से दो घंटे का हाइक है वो, आराम से मस्त चिल करते करते, मैगी खाते खाते, सिड्डू खाते खाते सरोलसर लेक पहुँचे। और सरोलसर लेक हरी हरी घाटियों में बीच में एक छोटी सी एक प्यारी सी लेक है, वो मैं जिंदगी में दो बार गया हूँ। मैं लास्ट ट्रिप पे नहीं गया था क्योंकि मैं ऑलरेडी जा चुका था। मैं एक बार गया था बारिश के टाइम पे, उस टाइम वो ऐसी दिख रही थी सुंदर सी, और एक टाइम मैं गया था ठंड के टाइम पे, उस टाइम तो वो पूरी जमी हुई थी और उसका तो एक्सपीरियंस एकदम ही अलग था। अब तीसरे दिन रुकने के लिए ना तुम्हारे पास तीन ऑप्शन है, या तो तुम जो सरोजसर लेक के पास कैंप साइट है वहाँ पे रुक सकते हो, ठीक है, या फिर तुम वापस जीबी आकर रुक सकते हो, वो भी सही है, या फिर जीबी और जलोरी पास के बीच में ये गांव पड़ता है जिसका नाम है शोजा, वहाँ पे काफी हॉस्टल्स और क्यूट क्यूट होम स्टेज हैं, तो तुम वहाँ पे भी जाकर रुक सकते हो। नाउ डे थ्री हमारा खत्म हो गया है, डे फोर पे आज तुम तीर्थन वैली छोड़ दोगे। तीर्थन वैली से तुम्हें निकलना है सेंज वैली की तरफ, और सेंज वैली में तुम्हें किस गाँव में जाना है, शानगढ़ में। ना तुम वापस जिबी उतरोगे, जिबी से तुम शानगढ़ की बस ले लो। ना शानगढ़ पहुंचने में तुम्हें 3 से 4 घंटे लगेंगे, तुम लेट से दोपहर तक या शाम तक पहुंच गए, तो वहाँ पे आज के दिन तो तुम डे फोर पे थोड़ा चिल ही करो। शानगढ़ वैसे भी वैसी जगह है जहाँ तुम बैठ के चिल करो, ज्यादा कुछ हबड़ दबड़ मत करो। शानगढ़ में काफी हॉस्टल्स है, यू कैन गो टू हॉस्टल, यू कैन गो टू हॉस्टलर, यू कैन गो टू हाउस ऑफ स्टोरीज, काफी हॉस्टल्स है वहाँ पे और काफी अच्छे अच्छे हैं, वहाँ रुक सकते हो। शानगढ़ की सबसे ज्यादा अच्छी बात यह है कि जैसे जिबी फिर भी थोड़ा सा क्राउडेड है, इतना ज़्यादा नहीं जितना मनाली कसौल या फिर शिमला है, पर थोड़ा सा क्राउडेड है, बट शानगढ़ में तो अभी काफ़ी कम ट्रैवलर्स है और वो काफ़ी पीसफुल जगह है। और पर्सनली मुझे वहाँ के जो पहाड़ थे, जो शानगढ़ के पहाड़ थे, वो ज़्यादा सुंदर लगे थे जिबी और तीर्थन वैली से। अब काफ़ी लोग ये कहेंगे कि सारे पहाड़ तो एक जैसे ही होते हैं, पर पहाड़ एक जैसे नहीं होते, हर जगह का टेरेन अलग होता है, थोड़े पहाड़ का टेक्स्चर अलग होता है, थोड़ी वादियों का फीलिंग अलग होती है, तो शानगढ़ की वो बेटर है। शानगढ़ इज मोर अबाउट चिलिंग एंड रिलैक्सिंग। अब लेट्स से तुम डे फोर पे शानगढ़ पहुंच गए, दोपहर तक या शाम तक तुम थोड़ा चिल करो, खाना वाना खाओ वहाँ पे, और फिर तुम जो शानगढ़ जो मेन जाना जाता है ना, इट्स नोन फॉर इट्स मेडोज। शानगढ़ में एक एरिया है वहाँ पे एकदम बड़ा वास्ट मेडो है, उसे उसकी वजह से ना लोग उसे मिनी स्विट्जरलैंड और ये सब भी बोलते हैं, मिनी खजियार है मिनी स्विट्जरलैंड, बट उसे उसकी खूबसूरती उसे अपने में ही रहने दो। तो वो जो शानगढ़ मेडो है ना, वो ना बहुत ही सही पिकनिक स्पॉट है, तुम वहाँ पर जाओ चिल करने, वहाँ पे पड़े रहो, वहाँ पे जानवरों के साथ खेलते रहो, वहाँ पे अपने दोस्तों के साथ खेलते रहो, वहाँ पे यूजुअली तुम्हें लोग क्रिकेट खेलते मिल जाएंगे या बच्चे खेलते मिल जाएंगे, उनके साथ खेल लो और आज का दिन चिल करो। वहाँ पे कुछ कैफेज है जिनका नाम मैं लिस्ट डाउन कर दूंगा, उन सबको एक्सप्लोर कर लो। डे फाइव, अब तुम्हें एक और बात बताता हूँ कि जैसे मेरे पास तो बाइक थी तो मैं सब कुछ बाइक पे घूम रहा था, शानगढ़ में तुम्हें बाइक या स्कूटी कुछ नहीं मिलेगी, मतलब जब मैं गया था तब तो कुछ नहीं था, अब आगे जब भी कभी भी हो जाए तो पता नहीं। तो अगर तुम अपनी स्कूटी बाइक से आ रहे हो देन इट्स फाइन, अगर तुम अपनी गाड़ी से आ रहे हो देन इट्स ग्रेट, बट अगर तुम वहाँ पहुँचोगे तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो ऐसे कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि वहाँ पे हॉस्टल्स ही है मेनली रुकने के लिए, तो तुम्हारा कोई ना कोई दोस्त बन जाएगा और वहाँ पे लोग अपनी बाइक या गाड़ी से जाते हैं, तो किसी के साथ भी घूम लेना। और अगर इतना बेकार लगे कि कुछ ना मिले तो यार पैदल घूम लेना, शानगढ़ इज़ वेरी स्मॉल, ऐसा कोई बड़ा जगह नहीं है, तो तुम थोड़ी पैदल घूम लेना, कसरत भी हो जाएगी, पतले हो जाओगे। अब लास्ट डे पर तुम्हें जाना है बरशानगढ़ वाटरफॉल, जो कि शानगढ़ का जो सेंटर है वहाँ से 1.5-2 किलोमीटर दूर है, 2 किलोमीटर के तो आसपास होगा, वहाँ से तुम जाओगे और फिर वहाँ से उसकी 10 मिनट की हाइक है, ज़्यादा नहीं है, बहुत छोटी हाइक है, और जब वो तुम 10 मिनट की हाइक कवर करोगे देन यू विल सी दिस मैसिव ब्यूटीफुल वाटरफॉल, जहाँ पे तुम नीचे जाके अपना सर फोड़ो, नहाओ धो, डुबकी मारने जो करना करो, चिल करो, बढ़िया मज़े लेके वापस नीचे आओ, मैगी खाओ, वापस अपने हॉस्टल पहुंचो, तुम्हें वापस मेडो में जाना है एंजॉय करने, मेडो में चिल करो, छोटे मोटे कैफेज हैं कैफेज एक्सप्लोर करो, सेंज वैली आयो, तुम कुल्लू के एरिया में घूम रहे हो तो वहाँ का खाना खाओ दैट इज सिड्डू, सिड्डू टेस्ट करो वहाँ पे, और तुम शाम तक अपने घर को वापस निकल जाओ, ऑड निकलो वहाँ से, ऑड से वापस बस पकड़ो अपने घर की और वापस पहुँच जाओ। सो ये थी 5 दिन की आइटनरी फॉर तीर्थन एंड सेंज वैली। अब कुछ लोग जिन्हें इन जगहों के बारे में बताया वो बोलेंगे कि भाई तूने देओरी विलेज के बारे में नहीं बताया, तूने गुशैनी के बारे में नहीं बताया, वो तो तीर्थन का मेन विलेज है। तो मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि यार मैंने पहले वो जगह बता दी जो सबसे पहले देखनी बनती है अगर तुम 5 दिन के लिए जा रहे हो। लेट्स से इफ यू हैव 1 वीक देन तुम जब तीर्थन वैली में हो गए तो एक विलेज का नाम है गोशैनी, उसे ज़रूर एक्सप्लोर करना, एक दिन तुम वहाँ जा सकते हो, वहाँ पे आराम से चिल करना, मज़े लेना। और अगर तुम्हारे पास एक और दिन है देन जब तुम शानगढ़ जाओगे सेंज वैली, तो एक नीचे एक विलेज है जिसका नाम है दियोरी, तुम वहाँ पे भी जा सकते हो, वहाँ चिल कर सकते हो, वहाँ पे ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क है वो भी देख सकते हो। तो तुम इन दो जगहों को भी अपनी लिस्ट में ऐड कर सकते हो इफ यू हैव अभी 5 दिन है देन यू गो टू दीज प्लेसेस जो मैंने अभी लिस्ट में बताई है, ठीक है। एक और चीज़ बोलूंगा, अगर तुम्हें वोकेशन पर जाना ना देन आई थिंक शानगढ़ एंड जिबी दोनों बहुत ही बढ़िया स्पॉट है वोकेशन पर जाने के लिए, वहाँ पे नेटवर्क इशू नहीं है, वहाँ पे तुम्हें हॉस्टल्स की अवेलेबिलिटी अच्छे से मिलेगी, वहाँ पे तुम्हें बढ़िया लोग मिल जाएंगे, वहाँ पे तुम्हें कैफेज भी मिल जाएंगे और ज़्यादा शोर शराबा भी नहीं है, तो तुम काम भी अच्छे से करवाओगे और आसपास जगह भी है घूमने को,
तो पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि वो हिमाचल की सबसे अच्छी जगह में से है इफ यू वांट टू गो फॉर वर्केशन। एंड अगर तुम्हें इस जगह की एक्सपीरियंशियल ब्लॉग्स देखना मेरे एक्सपीरियंस कहता था मैंने वहाँ क्या क्या किया, कैसी पक्षी होती करी और कैसा फील आता है वहाँ जाके, देन यू कैन वॉच माय जीबी का वीडियो, यू कैन वॉच माय रघुपुर फूड का वीडियो, यू कैन वॉच माय शानगढ़ का वीडियो, तीनों वीडियो मेरे चैनल में है, वो देख लेना, मजा आएगा तो कमेंट कर देना। अगर तुम मेरी आइटनरी यूज करके वहाँ जाओगे देन लेट मी नो हाउ योर एक्सपीरियंस बॉस। तब तक के लिए ट्रैवल मोर, मीट यू पीपल मोर, टॉक टू पीपल मोर, अपनी कहानियां सुनाओ, उनकी स्टोरी सुनाओ, हंसो, मुस्कुराओ, खुश रहो, क्योंकि क्या पता कल हो ना हो।